किसान के लाल ने हेलीकॉप्टर बना सपना किया पूरा। उड़ान की अनुमति मिले तो अरमानों को लगे पंख। यदि हौसले बुलंद हों तो कठिन डगर को पार करना आसान हो जाता है। ये कर दिखाया है बांदीकुई उपखंड क्षेत्र के सोड़ाला ग्राम पंचायत के झंपडीन गांव निवासी चेतराम गुर्जर ने। सोड़ाला ग्राम पंचायत के झंपडीन गांव निवासी चेतराम गुर्जर ने स्नातक तक पढ़ाई की और आईटीआई का डिप्लोमा किया। इसके बाद में मन में हेलीकॉप्टर बनाने का सपना आया। हालांकि आर्थिक तंगी रोड़ा बनी, लेकिन मन को ठोस कर सितंबर 2018 में हेलीकॉप्टर बनाने का काम शुरू किया। इसके लिए दिल्ली, सिकंदरा, जयपुर, दौसा और बांदीकुई से ल्यूज पार्ट्स खरीदे और बाइक का इंजन को जोड़कर हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया, लेकिन पेट्रोल का इंजन होने के कारण सफल नहीं हो पाया। इसके बाद डीजल का इंजन लगाकर हेलीकॉप्टर को चालू किया तो कंपन करने लगा और करीब 3 फीट ऊंचाई तक उड़ान भरी, लेकिन उड़ान कम रहने पर करीब 25,000 की लागत से 2 बाइक खरीदी। इन बाइकों के इंजन और पावर सप्लाई सिस्टम निकालकर हेलीकॉप्टर में शिफ्ट किए। कृषि यंत्र में काम आने वाली कुट्टी और थ्रेसर मशीन में उपयोग आने वाली चेन को इंजन से जोड़कर पावर सप्लाई के उपयोग में काम में लिया। हालांकि इस हेलीकॉप्टर का निर्माण करने में यूट्यूब काफी हद तक मददगार रहा है। इस हेलीकॉप्टर को पवन पुत्र नाम दिया गया है। चेतराम का दावा है कि हेलीकॉप्टर करीब 20 से 25 फीट ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। हेलीकॉप्टर में 1 आदमी बैठ सकता है, लेकिन पुलिस की ओर से बिना अनुमति के उड़ान भरने से रोक दिया गया। इसके बाद उड्डयन विभाग से अनुमति लेने की गाइडलाइन पड़ी गई, तो उसमें हेलीकॉप्टर के सभी पार्ट्स भारी होने चाहिए। वहीं अनुमति की प्रक्रिया भी लंबी है। ऐसे में अब कानूनी अड़चन आने से हेलीकॉप्टर को उड़ाकर परीक्षण किए जाने का सपना पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। यदि हेलीकॉप्टर के पार्ट्स हैवी लगाए जाएं, तो उस पर करीब 35 से 50 लाख रुपए के बीच खर्चा आता है, जिसे वो वहन करने में सक्षम नहीं है। इंजीनियर की भूमिका निभा रहे चेतराम ने हेलीकॉप्टर को तिरंगे के रंग में रंग दिया है। उसने हेलीकॉप्टर पर मेरा भारत महान, माँ तुझे सलाम, देशभक्ति का संदेश दिया। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता और जल ही जीवन है को लेकर आमजन को जागरूक करने के लिए हेलीकॉप्टर पर स्लोगन भी लिखे हैं। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान पत्रिका के इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।